Hey everyone, this is Prem Pandey. Welcome back to your favorite YouTube channel, Educational Hikes. So, yaar, aaj hum padhne wale hain class 10th ki The First Flight book se poem number 3, A Tiger in the Zoo. A Tiger in the Zoo ko likha hai Leslie Norris ne. But is poem ko start karne se pehle main aapko bata dun ki iski pichli jitni bhi chapters hain, chapter number 1 aur chapter number 1 ki dono poem प्लस चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला वाला, ठीक है, जिसकी पोएम हम आज पढ़ने वाले हैं, ये सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनकी लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हो, या आप यूट्यूब पे सिंपली चैप्टर नेम स्लैश एजुकेशनल हाइक्स करके सर्च कर सकते हो, हमारी वीडियो आपको टॉप पर मिल जाएगी। अगर आप नए विजिटर हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं अ टाइगर इन द जू। बहुत मजा आने वाला है पोएम में, अपने तरीके से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसमें स्टैंजास में जो वर्ड मीनिंग होंगी, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, साथ साथ हम सब कुछ डिस्कस करते चलेंगे। तो बहुत मजे आने वाले हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना। अ टाइगर इन द जू, एक ऐसा टाइगर जो कि पिंजड़े में बंद है। इस पर्टिकुलर पोयम में पोएट ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि जो हम टाइगर को पिंजड़े में बंद कर देते हैं, चिड़ियाघर में रख देते हैं, उसकी हालत क्या हो जाती है, और अगर वही टाइगर आजाद होता, अपने खुले वातावरण में होता, जंगल में होता, तब वो कैसा होता। बस यही दो चीजें इस पूरे पोएम में बताई गई हैं। तो चलिए फटाफट इस पोएम को स्टार्ट करते हैं, मैं उसे रहा नहीं जा रहा। नाउ यस, ये पहला स्टैंजा है हमारा। ही स्टॉक्स इन हिज विविड stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet reg. अब टाइगर की बात हो रही है, लिखा गया है कि he stalks in his vivid stripes. ये जो टाइगर है वो अपने कलरफुल धारियों के साथ, आप देख रहे हो इस टाइगर की स्किन पर ऑरेंज और ब्लैक कलर की धारियां बनी हुई है ना, तो उसी के लिए ये वर्ड यूज हुआ है विविड। तो लिखा गया है कि ये जो टाइगर है वो स्टॉक कर रहा है, मतलब चल रहा है। स्टॉक का मतलब पिंजड़े का इधर से उधर जाना, इधर से उधर जाना, जो टाइगर पिंजड़े में यहां से वहां जा रहा है फिर वहां से यहां आ रहा है, इसी को कहते हैं स्टॉक करना, ठीक है। तो ये टाइगर जो है वो अपने कलरफुल धारियों के साथ पिंजड़े में जितने कदम वो चल सकता था उतने कदम वो चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उसके केज, उसके पिंजड़े में जितनी जगह थी उतने कदम वो चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और ये जब ये टाइगर चलता है तो चूंकि इसके जो पंजे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हैं, इसी के लिए यहां पर वर्ड यूज हुआ है वेलवेट। ध्यान देना, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ये जो टाइगर जब चल रहा है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि जो टाइगर का पंजा होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है, जो टाइगर का तलवा होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, इतना मुलायम होता है जैसे मखमल, जैसे वेलवेट, ठीक है। इन हिज क्वाइट रेज, और ये टाइगर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा है। टाइगर गुस्सा क्यों है? टाइगर इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो फ्री नहीं है, इसलिए वो पिंजड़े के कुछ कदम चलकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। मैं हिंदी में एक बार पढ़ देता हूं कि एक टाइगर है जो अपने कलरफुल धारियों के साथ अपने पिंजड़े के कुछ कदम, जितना वो चल सकता था उतने कदम वो चल रहा है, और जब वो चल रहा है तो उसके पैरों की बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि उसका जो पंजा है वो इतना मुलायम है कि जब टाइगर चल रहा है तो आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, और चलकर वो अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा है। और टाइगर गुस्सा क्यों है? क्योंकि वो फ्री नहीं है। नाउ आपने वर्ड मीनिंग तो देखी ली होगी, हम लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं कि कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस पर्टिकुलर स्टैंजा में यूज हुई है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सबसे पहले तो जो ही वर्ड यूज हुआ है, ही हम जानते हैं इंसानों के लिए यूज होता है, लेकिन यहां पर टाइगर के लिए यूज हुआ है। तो कोई भी ऐसा लाइन जहां पर किसी इनह्यूमन चीज को ह्यूमन मान लिया गया हो, वहां पर मानवीकरण होता है, वहां पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो सबसे पहला हमारा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। नाउ दूसरा मेटाफर, जिसे हम कहते हैं रूपक अलंकार,
यहां पर रूप दे दिया गया है। देखो वेलवेट क्वाइट लिखा गया है, मतलब वेलवेट सा शांत है, मखमल से शांत पैरों के साथ ये टाइगर चल रहा है। मतलब टाइगर के पैर को किससे कंपेयर किया गया है? मखमल से। तो जहां पर कंपैरिजन है वहां पर मेटाफर है, समझ गए दोनों फिगर ऑफ स्पीच। अब तीसरी फिगर ऑफ स्पीच यहां पर यूज हुई है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में अगर कई बार कॉन्सोनेंट्स, अगर कई बार सेम कॉन्सोनेंट्स यूज हुए हो वहां पर कॉन्सोनेंस होता है। जैसे देखो पहली लाइन आप देखो, यहां पर ही स्टॉक्स का जो यस है, फिर हिस में एस यूज हुआ है, फिर स्ट्राइप्स में एस यूज हुआ है, तो तीन बार कॉन्सोनेंट साउंड यूज हुआ, इसलिए इस लाइन में क्या है? कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। नाउ हमारा नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? एक ही लाइन में कई बार कुछ वॉवेल्स का यूज हो जाना। जैसे ए, अगर ए वॉवेल यूज हो रहा है तो वो उसी लाइन में कई बार यूज हो जाए तो वहां पर एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। जैसे हम देख लेते हैं ये, लेट मी क्लियर ऑल इंक। हाँ, अब यहां पर एजोनेंस भी पहली ही लाइन में आप देख रहे हो, इन, इनका आई, हिस का आई, विविड में भी आई यूज हुआ है और स्ट्राइप्स में भी आई यूज हुआ है। तो भाई इतने सारे वॉवेल्स यूज हुए हैं तो यहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई? एजोनेंस हो गया, समझ में आया। और एक और फिगर ऑफ स्पीच है जो कि बहुत कॉमन है, ये लास्ट वाली लाइन में है, क्वाइट रेज। दो अपोजिट वर्ड्स साथ में यूज हुए हैं। लव इज अ बिटर स्वीट फीलिंग, लव एक खट्टा मीठा अनुभव है। एक ऐसा लाइन जहां पर दो अपोजिट वर्ड साथ में यूज हो रहे हो वहां पर हमारा ऑक्सीमोरॉन होता है। गॉट इट? आई थिंक इस पूरे स्लाइड में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। नाउ हम नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब आगे टाइगर के बारे में बताया गया है। इस पर्टिकुलर स्टैंजा में बताया गया कि अगर टाइगर आजाद रहता तब वो कैसा होता। ठीक है, पिछले स्टैंजा में हमने पढ़ा कि टाइगर जू में है और उसकी हालत कैसी है, लेकिन अब अगर टाइगर आजाद होता तब उसकी हालत कैसी होती? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ये जो टाइगर है ना, अगर आजाद होता तो वो छुप कर किसी छुपने वाली जगह, शैडो का मतलब किसी छुपने वाली जगह में छुप कर वो इंतजार कर रहा होता। लर्किंग का मतलब क्या होता है? वेटिंग फॉर प्रे, किसी शिकार का इंतजार करना। तो अगर टाइगर फ्री होता तो वो किसी छुपने वाली जगह पर छुप कर इंतजार कर रहा होता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबे लंबे जो घास हैं उनके पीछे कहीं ये टाइगर छुपा रहता और अपने शिकार का इंतजार कर रहा होता। और ये कहां पर ये सारी चीजें कर रहा होता ये टाइगर? नियर द वॉटर होल, किसी नदी के किनारे, किसी तालाब के किनारे। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से मोटी तगड़ी एकदम तंदुरुस्त जो हिरन है वहां से गुजरती हो, वहीं पर ये टाइगर इंतजार कर रहा होता है ताकि जल्दी से हिरन पानी पीने आए और ये टाइगर उस पर चपट्टा मार सके। तो ये हमारा इस स्टैंजा की हिंदी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब हम लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं। इस पर्टिकुलर स्टैंजा में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं? तो सबसे पहला एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आपके लिए नया होगा या शायद आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच वो होती है जहां पर एक ही लाइन में दो वर्ड सेम लेटर से स्टार्ट हो जाए। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आप देख रहे हो प्लंप का पी और पास का पी, दोनों पी और पी से स्टार्ट है, प्लंप भी पी और पास भी पी। तो एक ऐसा लाइन हो गया ये पूरा जहां पर दो वर्ड्स एक ही लेटर पी से स्टार्ट है, इसलिए यहां पर एलिट्रेशन हो गया। अनुप्रास अलंकार हम शायद हिंदी में इसे कहते हैं। ठीक है, नाउ एक और फिगर ऑफ स्पीच यहां पर यूज हुई है, वो है इमेजरी। इमेजरी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक, जहां पर पोएट किसी चीज की कल्पना करे वहां पर इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो यहां पर देखो पोएट कल्पना ही तो कर रहा है ना कि अगर ये टाइगर आजाद होता तो वो किसी लंबे लंबे घासों के पीछे अपने शिकार का इंतजार कर रहा होता। तो ऐसा होता, इमेजिन कर रहा है ना, इसलिए यहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई है? इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच हो गई है। तो आई थिंक आपको ये स्लाइड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब
टाइगर इस पर्टिकुलर स्टैंजा में भी बताया गया है कि टाइगर कैसा होता अगर वो आजाद होता। तो यहां पर लिखा गया है कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। जो टाइगर अगर आजाद होता तो वो दहाड़ रहा होता, स्नार्लिंग मतलब गुर्रा रहा होता, लोगों को देखकर लोगों को डरा रहा होता। स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है? दहाड़ना, ठीक है। तो टाइगर अगर आजाद होता तो स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, वो घरों के अगल बगल, जो गांव में घर होते हैं उन घरों के अगल बगल घूम रहा होता, लोगों को डरा रहा होता कि नहीं तुम घर से बाहर मत निकलो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। एट द जंगल्स एज, और ये सब चीजें वो कहां कर रहा होता? जंगल के किनारे, जो गांव बसा हुआ है ना वहां पर, घरों के अगल बगल वो घूम रहा होता और स्नार्ल कर रहा होता, दहाड़ रहा होता। बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, अपने सफेद नुकीले दांतों को वो दिखा रहा होता। हिज क्लॉस, अपने नुकीले एकदम शार्प पंजों को दिखा रहा होता। टेररिजिंग द विलेज, जिससे गांव वाले बिल्कुल डर जाते। तो इस पूरे स्टैंजा में भी बताया गया है कि अगर टाइगर आजाद रहता तो वो क्या क्या करता। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, वो घरों के अगल बगल दहाड़ रहा होता। जंगल के किनारे जो घर बसे हैं ना, जंगल्स एज, दूसरी लाइन में लिखो, देखो यहां पर क्या लिखा है, जंगल्स एज मतलब जंगल के किनारे जो घर हैं उन घरों के अगल बगल जाकर ये टाइगर दहाड़ रहा होता। बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, अपने सफेद नुकीले दांतों को दिखा रहा होता है। हिज क्लॉस, अपने नुकीले पंजों को दिखा रहा होता, और जिससे जो गांव वाले हैं, जो पूरे विलेज है वो टेररिज होता, जिससे पूरा गांव डरा हुआ होता। और आई थिंक आपको ये स्टैंजा की हिंदी मीनिंग समझ में आ गई होगी। इसकी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुआ है ओनोमोटोपाइया। अब ओनोमोटोपाइया फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? ओनोमोटोपाइया वहां पर होता है जहां पर किसी साउंड वर्ड का यूज हो गया हो। जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना, नदियां कल कल बहती हैं, तो नदियां कल कल क्या है? ये नदियों की आवाज है। वैसे ही टाइगर की आवाज क्या है? स्नार्लिंग। टाइगर दहाड़ रहा है, दहाड़ रहा है ना, तो दहाड़ने की आवाज क्या है? स्नार्लिंग। इसलिए यहां पर ओनोमोटोपाइया है। नाउ दूसरा फिगर ऑफ स्पीच एजोनेंस। मैंने बताया था ना आपको एजोनेंस क्या होता है, बताओ बताओ एजोनेंस क्या होता है? जहां पर वॉवेल साउंड कई बार रिपीट हो जाए। जैसे देखो, आप देख रहे हो यहां पर शुड, शुड में वेट, लेट मी क्लियर ऑल द इंक्स, उसके बाद हम देखते हैं। यहां पर शुड में भी ओ का यूज हुआ है, हुआ है कि नहीं? नाउ यहां पर अराउंड में भी ओ का यूज हुआ है और हाउसेस में भी ओ का यूज हुआ है। तो एक ही लाइन में कई बार वॉवेल साउंड का यूज हुआ है, इसलिए एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है इस पर्टिकुलर लाइन में। नाउ दूसरा फिगर ऑफ स्पीच हमारा है कॉन्सोनेंस, ठीक है। कॉन्सोनेंस क्या है? बताया मैंने, जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही हो। जैसे कॉन्सोनेंस कहां पर है? यहां पर देखो, ऊपर ये वाली लाइन दिख रही है आपको, थर्ड वाली, इसमें देखो हिस में एस है, फैंग्स में भी एस है, हिस में भी एस है, और फिर क्लॉस में भी क्या है? एस है। तो इतनी बार कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है, इसलिए यहां पर कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। आई थिंक आपको ये वाली स्लाइड में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एजोनेंस, इसी लाइन में एक और एजोनेंस है, हिस में भी आई का यूज हुआ है, वाइट में भी आई का यूज हुआ है, फिर से दोबारा हिस में भी आई का यूज हुआ है, तो यहां पर भी एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। नाउ अपनी हम चौथी स्टैंजा पर चलते हैं। ओके, अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में वापस हम जो टाइगर है, जो चिड़ियाघर में बंद है, वहां पर उसकी हालत कैसी है ये हम पढ़ेंगे। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। एक टाइगर को कैसा होना चाहिए वो हमने सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में पढ़ा, लेकिन फिर से फोर्थ स्टैंजा में हम पढ़ेंगे कि लेकिन टाइगर है कैसा, इस समय उसकी हालत क्या है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन ये जो टाइगर है ना, ना वो अपना शिकार कर पा रहा है, ना गांव वालों को डरा पा रहा है। क्यों? क्योंकि लॉक्ड है वो एक ईट, मिट्टी, बालू, पानी से बने एक किसी पिंजड़े में वो बंद है। कंक्रीट का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स,
सीमेंट सैंड, एक ऐसी बिल्डिंग जो ईटों से, सीमेंट से, बालू से मिलकर बनी हो, उसको कंक्रीट बोलते हैं। तो यहां पर लिखा गया है कि टाइगर कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता, टाइगर किसी का शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो लॉक है एक ईट, बालू और मिट्टी से बने हुए एक पिंजड़े में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और ये जो टाइगर की जितनी भी शक्तियां है ना, वो इन बेड़ियों के पीछे है, इन सलाखों के पीछे है, और इसी के लिए स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, ये टाइगर कुछ भी नहीं कर रहा, बस अपने पिंजड़े के कुछ कदम जितना वो चल पाता है, केवल उतने कदम वो चलता है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो लोग उसे देखने आते हैं चिड़ियाघर में, उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग उस टाइगर को गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन टाइगर कुछ कर नहीं पाता है, इसलिए वो उन विजिटर्स को, उन यात्रियों को इग्नोर करता है। नाउ आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, इसमें कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। पहले स्टैंजा की तरफ फिर से यहां पर टाइगर के लिए ही वर्ड का यूज हुआ है, ठीक है। अब ही हम जानते हैं इंसानों के लिए यूज होता है, तो कोई इनह्यूमन चीज को ह्यूमन मान लिया गया हो, वहां पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है, वहां पर मानवीकरण होता है, ठीक है। एजोनेंस, एजोनेंस क्या है, मैंने बताया, जहां पर बार बार एक ही लाइन में कई बार वॉवेल साउंड रिपीट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहां पर ही में एच ई वर्ड का यूज हुआ। वेट, मैं एक हाइलाइटर ले लूं, उसके बाद आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। आप देख रहे हो ही में एच ई का यूज हुआ है, फिर लॉक्ड में भी ई का यूज हुआ है, कंक्रीट में भी ई का यूज हुआ है, और सेल में भी ई का यूज हुआ है। तो एक ही लाइन में कई बार वॉवेल साउंड का यूज हुआ है, इसलिए यहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई, एजोनेंस हो गया। नाउ आगे देखते हैं, यहां पर कॉन्जोनेंस फिगर ऑफ स्पीच भी है। कॉन्जोनेंस कहां है, आप दूसरी लाइन में देखो, हिस का एस, स्ट्रेंथ का एस, और फिर बार्स में भी एस का यूज हुआ है। तो एक ही लाइन में तीन बार कॉन्सोनेंट का यूज होना मतलब कॉन्जोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। आखिरी फिगर ऑफ स्पीच है हमारा एलिट्रेशन। हम जानते हैं एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज कब होता है, जब एक ही लाइन में दो वर्ड सेम लेटर से स्टार्ट हो। ध्यान दो, एक सिंगल लाइन में दो वर्ड सेम लेटर्स से स्टार्ट हो, वहां पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। देखो कहां पर ऐसा हुआ है, कहां पर ऐसा हुआ है, यस हुआ तो है। आप देखो ये जो बिहाइंड बार्स है, बिहाइंड बार्स बी और बी, दो वर्ड्स एक ही लेटर से स्टार्ट हुए, इसलिए यहां पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। तो आई थिंक आपको इस स्लाइड में भी चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ लास्ट स्लाइड ऑफ दिस पोयम, और पहले इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन जानेंगे हम। अब टाइगर के बारे में आगे बताया जा रहा है कि वो अपने विजिटर, जो लोग आते हैं उसे देखने, उन्हें इग्नोर करता है, और ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। और जो टाइगर है ना, वो पूरे दिन भर में आखिरी जो आवाज सुनता है वो रात में सुनता है, और वो आवाज किसकी रहती है, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, जो गाड़ियां गश्त पर आती है ना चिड़ियाघर में देखने के लिए कि जानवर सही सलामत तो है ना, किसी जानवर को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बस टाइगर आखिरी आवाज उन्हीं गाड़ियों की सुनता है, समझ गए। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और उसके बाद उन गाड़ियों के जाने के बाद पूरी रात ये टाइगर अपनी ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकदार आंखों के साथ चमकदार आसमान के सितारों की ओर पूरी रात देखता रहता है, और सोचता रहता है कि काश मैं आजाद होता, काश मैं फ्री होता। तो आई थिंक आपको ये स्टैंजा भी समझ में आ गया होगा। और फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं इस स्टैंजा की, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। एलिट्रेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, जहां पर एक ही लाइन में दो वर्ड सेम लेटर्स से स्टार्ट हो। ढूंढो ढूंढो कहां पर है ऐसा, ढूंढो यहां पर कहां पर ऐसा है, यस yes, पहली लाइन में है, हियर्स का एच और ही का एच, दो एच, मतलब आप समझ रहे हो ये भी एच से स्टार्ट है और ये भी एच से स्टार्ट है। तो एक लाइन में दो वर्ड अगर सेम लेटर से स्टार्ट हो, वहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, वहां पर एलिट्रेशन होता है। नाउ एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच, एजोनेंस का मतलब मैंने क्या बताया था, जहां पर
वॉवेल साउंड एक ही लाइन में कई बार रिपीट हो जाए वहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? एजोलेंस होता है। देखो यहां पर विथ हिज ब्रिलियंट, आप देख रहे हो यहां पर विथ में भी आई वर्ड का यूज हुआ है, आई लेटर का यूज हुआ है, हिस में भी आई यूज हुआ है, ब्रिलियंट में भी आई लेटर का यूज हुआ है। आप देख रहे हो एक ही लाइन में तीन बार वॉवेल वर्ड यूज हुआ है, इसलिए यहां पर एजोनेंस है। तो आई थिंक आपको ये पूरा पोएम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाए इस पोएम को लेके तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।